हेलो एवरीवन, माय सेल्फ संदीप राजवर। सो इट्स अ हैप्पी न्यू ईयर। एक्चुअली आज फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2023 है, तो 1 अप्रैल ऑलरेडी मतलब हो चुका है। सो ये वीडियो शायद 2 या 3 तारीख को पब्लिश होगी। मैं एक्चुअली थोड़ा बहुत ज़्यादा काम में बिजी हो गया था, तो अराउंड 1 मंथ कुछ भी वीडियो अपडेट नहीं हो पाया। बट आई एम वेरी मच श्योर कि वो जो भी चीज़ मैं कर रहा था वो काफ़ी अच्छा चीज़ था। आप लोगों के लिए बहुत कुछ आ सकता है उसके बेसिस पे। उसके लिए मैं वेट करूँगा। वो आई थिंक आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब अप्रैल के बाद ही वो सब चीज़ आपके लिए आ पाएगा, तो अभी थोड़ा सीक्रेट रहेगा। ठीक है। जो भी हो, अभी रेगुलर बेसिस पे कुछ कुछ वीडियोज़ अपलोड कर दूंगा मैं, बहुत सारे, क्योंकि V3 पोर्टल पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्लिच था, बहुत सारा प्रॉब्लम था, इंटरनल एरर था MCU के ऊपर, तो अपने बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड वीडियो नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम्स ही मैं बता पा रहा था, क्योंकि उस चीज़ को दिखा नहीं पा रहा। अब जो कि लाइन धीरे धीरे लाइन पे आ रहा है, चीज लाइक DR3 के YC या फिर जितने फॉर्म्स है, लगभग अब धीरे धीरे ऑन ट्रैक आ रहा है। सो आई थिंक अब अपने वीडियो बना सकते हैं, अब अपने सब कुछ इंटीमेट कर पाएंगे। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज का वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि भैया DIR जो 3 है फॉर्म, मतलब अगर मान लो मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मेरे को किसी इंसान को डायरेक्टर बनाना, सपोज मेरी एक कंपनी है ABC लिमिटेड। ठीक है। सपोज मेरी एक कंपनी है ABC लिमिटेड, इस प्राइवेट लिमिटेड, नॉट लिमिटेड, ABC प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि मेरे को पता है ना जिसके कंपनी में सिर्फ लिमिटेड, ABC लिमिटेड वाला पर्सन मीन्स वो डायरेक्टर इस वीडियो को नहीं देख रहा होगा। ओके। सो उसका कोई कंपनी सेक्रेटरी या फिर कोई जो भी इम्प्लॉई होगा वो देख रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। सो नो इशू, आपके लिए बेनिफिट के लिए वीडियो है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है ना, प्लीज दबा दिया करो यार, मतलब मेहनत लगती है यार, प्लीज समझा करो, है ना? तो कर दो लाइक, मोटिवेशन बना रहता है मेरा। और सब्सक्राइब प्लीज दबा दबा के शेयर करो, जिसको मन करे सबको शेयर करो, जो है इस फील्ड का, नहीं है, सबके साथ शेयर कर दो। शेयर करने में क्या ही जाता है तुम्हारा, कुछ नहीं जाता, कर दो यार। चलो, तो मान लो तुम्हारे पास एक ABC प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, और उसमें तुम और तुम्हारा एक दोस्त, ये ए और बी, ये दोनों डायरेक्टर हैं। ठीक है। नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, यू वांट टू अपॉइंट मिस्टर सी एज अ डायरेक्टर, सॉरी डायरेक्टर, DIRECTOR, ये इस सी को डायरेक्टर बनाना चाहते हो। द पॉइंट इज कि सी के पास कोई डिन नंबर नहीं है, बंदा कभी डायरेक्टर रहा ही नहीं है, इसको कैसे अपॉइंट कर लूँ, कौन सा फॉर्म फिलअप करूँ, कैसे इसका डिन नंबर लाऊँ, क्या करना होगा, क्या प्रोसीजर है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, सब कुछ समझ जाएंगे भाई इस वीडियो के अंदर। इस चैनल की खासियत ये है कि मैं प्रैक्टिकल चीज़ भी बताता हूँ, उसको कैसे यूज़ में लाते हैं वो भी बताता हूँ, और उसके साथ साथ उसका लीगल एक्सपेक्ट भी बताता हूँ, तो कोई भी चीज़ मिस नहीं होती हमारे यहाँ। ठीक है। आ जाओ देख लेते हैं। कोई भी किसी भी इंसान को डायरेक्टर बनाने के लिए डिन नंबर इज इम्पॉर्टेंट, इसको बोलते हैं डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिन नंबर शॉर्ट में बोलते हैं। अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है तो आप डायरेक्टर नहीं बन सकते हो, इम्पॉसिबल है। ठीक है। सो द फर्स्ट एंड अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया इज यू मस्ट हैव अ डिन नंबर बिफोर यू आर गोइंग टू बिकम अ डायरेक्टर। तो डायरेक्टर बन जाना है, बस डिन नंबर लेना है? हाँ सर। तो डिन नंबर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले कोई एग्जिस्टिंग कंपनी, कंपनी बोले तो प्राइवेट हो सकती है, पब्लिक हो सकती है, OPC हो सकती है, सेक्शन 8 कंपनी हो सकती है, निधि हो सकती है, कोई भी कंपनी हो सकती है सर, कंपनी कंपनी होती है, कोई भी एग्जिस्टिंग कंपनी का, कोई भी एग्जिस्टिंग कंपनी होनी चाहिए। वो आपके पास अप्रोच, या आप उसके पास अप्रोच कर रहे हो कि सुनो ना भाई, मेरे को भी डायरेक्टर बनने का है आपके यहाँ पे, क्या बन सकता हूँ? वो कंपनी बोले हाँ बन सकते हो। ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि इस कंपनी का किसी भी डायरेक्टर का, या कंपनी के CS का, या कंपनी के CFO का, या किसी भी उस मतलब चेयर लेवल का जो बंदा होता है ना, KMP लेवल का, उनमें से किसी एक का सिग्नेचर चाहिए होता है। ठीक है। आप जो फॉर्म फिलअप करोगे ना DIR 3, इस DIR 3 में इस कंपनी से कोई एक बंदा साइन करेगा, आपका एक साइन होगा, मतलब दो साइन चाहिए होंगे, आपके साइन और कंपनी का साइन, दोनों की तरफ से साइन होगा, तभी जाके ये फॉर्म सबमिट हो पाता है, अदरवाइज आपके को डिन नंबर नहीं मिल सकता है, दैट इज इम्पॉसिबल, खत्म बात। ठीक है। पहले मिल जाता था, एक समय था जब आपको कंपनी का रिक्वायर्ड नहीं होता था, प्रोफेशनल से सर्टिफाई करके आप डिन नंबर ले सकते थे, वो एक अलग दौर था। आज के समय में ये चीज चेंज हो चुका है, आज के समय में आप तभी डायरेक्टर बनोगे जब आपके वो कंपनी की तरफ से अप्रूवल मिलता है। ठीक है। सर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, पहला तो फोटो, ठीक है, दूसरा आधार ले लो, तीसरा पैन ले लो, आधार पैन में नाम सही होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए, ठीक है, वोटर आईडी है तो, ठीक है, वोटर आईडी के साथ और क्या चाहिए होगा, और पासपोर्ट है तो ले लेना, ठीक है, 6 नंबर पासपोर्ट के साथ डॉक्यूमेंट, और क्या चाहिए, ईमेल, फोन नंबर, ईमेल एंड फोन नंबर डायरेक्टर का पर्सनल होना चाहिए, मेक श्योर, आप अमी डमी कुछ भी ऊट पटांग मत डाल देना। ठीक है। एक जन मेरे को फोन करके बोला था कि उन्होंने अपना ईमेल डाल दिया था इनकॉर्पोरेशन के समय में, तो ऐसा काम मत करिएगा, बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है। ठीक है। अभी हर किसी का अलग अलग यूजर आईडी होता है, फंस जाएगा, झमेला हो जाएगा, तो प्लीज डोंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग। ठीक है।
ये आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास एक डीएससी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कंपलसरी होना चाहिए, क्लास 3 का होना चाहिए। क्लास 3 डीएससी आपके पास होनी चाहिए। ओके दैट्स इट। सर इसके अलावा कुछ लगे क्या? नहीं, इतना ही चाहिए होता है, और कुछ नहीं लगता है। ओके तो इससे डिन नंबर आ जाएगा? मैं बोला हाँ बिल्कुल आ जाएगा। सर करना क्या होगा? सबसे पहले आपको यहाँ जाना है, एमसीए की साइट पे आना है, यहाँ अपना लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ जाओ नीचे, कंपनी फाइलिंग, डिन 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 डिन, नहीं डिन वाला ये डिन, DIR 3 KYC, सॉरी DIR 3। ओके इतना KYC का नाम सुनिए ना, DIR 3 KYC निकलता है मुँह से, क्या बोलूँ। चलो यहाँ देखो क्या क्या चाहिए होता है भैया, एक फोटो लगा दो। क्या सिटीजन ऑफ इंडिया है? हाँ भाई ऑब्वियसली, नाम मैं अपना ही दे देता हूँ, SANDEEP संदीप, RAJBHAR, ठीक है। फादर नेम मैं नहीं दिखाऊंगा, वेट। नेशनैलिटी ऑब्वियसली बात है भैया, इंडियन हिंदुस्तानी है हम। ऑक्यूपेशन सेल्फ एम्प्लॉयड, अब ये डिपेंड करता है आपका क्लाइंट क्या करता है क्या नहीं करता है, ठीक है। तो मैं अपने को प्रोफेशनल बना लेता हूँ, बना के लेता हूँ भाई, और यहाँ भी प्रोफेशनल ही कर लेता हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मास्टर, डेट ऑफ बर्थ नहीं बताऊंगा आपको, क्यों बताऊं डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर नहीं बताने वाला आपको। चलो बाकी का डिटेल मैं भर लेता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपके पास सीधा आता हूँ कि बाकी क्या क्या और चीज़ चाहिए था, मतलब आगे पेज में चलता है। ओके वन मोर थिंग, जब आप अपना ये पैन नंबर वगैरह डालते हैं तो उसको वेरीफाई पैन करना बहुत ज़रूरी है, पैन वेरीफिकेशन हो जाएगा उसके बाद ही आप आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। तो बेसिकली पूरा डिटेल अच्छे से पूरा फिलअप कर देने के बाद आपको यहाँ पे करना है सेव और नेक्स्ट। सेव नहीं करोगे, नेक्स्ट भी करोगे तो चले जाएगा, बट द पॉइंट इज अगर सेव नहीं करते तो डेटा डिलीट हो जाएगा। सो आई सजेस्ट कि आप हमेशा सेव करो, ठीक है। सेव करने के बाद आप जब नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो अगले पेज पे आते हो। उसके बाद वाला जो नेक्स्ट पेज खुलेगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। यूजर डिटेल के अंदर आपने ये सारा डिटेल आई गेस दे दिया होगा, इसमें आपका फोटो, आधार, पैन, वोटर आईडी, पासपोर्ट, अगर नहीं है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट आधार पैन मस्ट बी देयर, वोटर आईडी है देन गुड, अगर पैन नहीं है तो चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और अगर आधार नहीं है तो फिर वोटर पैन इज रिक्वायर्ड हो जाता है, वोटर और पैन में से एक रिक्वायर्ड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एड्रेस प्रूफ आपको चाहिए होगा। ओके एंड फिर आप अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर और पुलिस स्टेशन कौन सा पड़ेगा ये जरूर पूछ लेना कि नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा पड़ता है। एंड मेक श्योर जो आप फोन नंबर डाले हो तो +91 लिख दीजिए, क्योंकि फोन नंबर में +91 इज रिक्वायर्ड। ओके अपार्ट फ्रॉम दैट आपका नेक्स्ट पेज जो खुल जाता है ये कुछ ऐसा आता है, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस ऑफ एप्लीकेंट, आपको यहाँ पे अपना प्रूफ ऑफ रेसिडेंस देना है। तो आई सजेस्ट कि अगर आपका आपके पास अगर आधार कार्ड है एंड अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, दोनों में सेम एड्रेस है तो दोनों को अटैच कर दीजिए, अलग अलग एड्रेस है तो सिर्फ आधार अटैच करो, ठीक है। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट एंड आधार कार्ड है तो आधार बैंक स्टेटमेंट अटैच करो, वोटर आईडी जिसका एड्रेस मैच कर रहा है ना आप वही अटैच करो। डोंट वरी कि मतलब ये ऐसा कुछ मत करो कि कुछ दो अलग अलग एड्रेस है दोनों अटैच कर दिया, डोंट डू दैट। और जो रेसिडेंट प्रूफ यहाँ अटैच करोगे ना, पिछले फॉर्म में भी आपका सेम होना चाहिए, ठीक है, पिछले फॉर्म में भी आपका सेम होना चाहिए, दिट मस्ट बी देयर। ओके एंड डोंट वरी, डेटा इसमें डमी डाला हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सिक्योरिटी क्लियरेंस, ये वाला आपको नो करना है, ये उन लोगों के लिए है जिनको सिक्योरिटी क्लियरेंस का जरूरत पड़ता है। मैं मान के चलता हूँ आप अच्छे लोग हैं, आप अपने एकदम मस्का लोग हैं, ठीक है। सो आई एम नॉट रिक्वायर्ड क्लियर करना है, आई एम रिक्वायर्ड वाले पे नहीं जाने का अपने को। नाउ टू बी डिजिटली साइन बाई एप्लीकेंट, यहाँ पे आपको अपनी DSC लगानी होगी, अभी नहीं लगेगा, डोंट वरी। यहाँ पे डिक्लेरेशन पे साथ क्लिक क्या कर सकते हैं, सभी डिक्लेरेशन पे क्लिक करना होगा। आई फर्दर क्लैरिफाई दैट, यस क्लैरिफाई क्लैरिफाई क्लैरिफाई, सब क्लैरिफाई कर दिया, वेरी गुड। अब यहाँ पे उस कंपनी का कोई भी एक बंदा साइन कर सकता है, डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, मैनेजर, CEO, CFO, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, डेजिग्नेट पार्टनर अगर LLP है तो। अब इनमें से कोई एक बंदा साइन कर सकता है, और जिस भी बंदा साइन करेगा, सपोज डायरेक्टर साइन करेगा तो डायरेक्टर, उसका डिन नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा और उसका सिन नंबर, जिस कंपनी में वो डायरेक्टर है उसका सिन नंबर यहाँ पे आपको डालना होगा। उसके बाद जब आप नेक्स्ट करते हो तो फिर वो पेज होता है मतलब सबमिट हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट पेज आएगा तो पूरा पेज आपको देखने मिलेगा, एक साथ देखने को मिलेगा। आप पूरा पेज चेक करो, सब कुछ ठीक है, इट्स ओके, ऑल ओके, सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद SRN जनरेट हो जाएगा, ठीक है, एंड एज यूजुअल आप फॉर्म डाउनलोड कर पाओगे। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद पहला काम आपको खुद साइन करना है अपना DSC क्लास 3 का, क्लास 3 DSC लगा देना है, डन। नेक्स्ट काम क्या करना होगा बॉस? नेक्स्ट काम कंपनी का जो डायरेक्टर है उसकी DSC आपको लगानी होगी। लगाने के बाद अगेन एज यूजल हर प्रोसेस की तरह यहाँ पे भी आपको माई एप्लीकेशन में जाना है, और वहाँ पे जाके अपना आपको DSC, सॉरी वहाँ पे आपको फॉर्म अपलोड कर देना है, और पेमेंट आएगा 500 रुपया का, वो आपको कर देना है, दैट इज अ गवर्नमेंट फीस। तो वो पेमेंट खत्म, और उसके बाद आपको वेट करना है, वेट एंड वेट एंड वेट फॉर अप्रूवल। ये फॉर्म STP मोड में नहीं है कि तुरंत अप्रूव हो जाए, इस फॉर्म को वो चेक करते हैं उसके बाद ही अप्रूवल होता है। तो इसमें आपका हफ्ता 10 दिन तक का टाइम जा सकता है।
ये तो था आपका डिन नंबर मिलने का प्रोसेस। मतलब एक बार आपका डिन नंबर मिल गया तो आप डायरेक्टर बन गए क्या? बिल्कुल भी नहीं। वंस यू गेट डिन नंबर, नाउ यू आर एलिजिबल टू बिकम अ डायरेक्टर सब्जेक्ट टू सेक्शन सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 164, नहीं हाँ 164। एलिजिबिलिटी के लिए आता है डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह, वहाँ पे भी आप डिस्क्वालीफाई नहीं है, और उसके अलावा भी मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप का जो क्राइटेरिया है वो सब आप सेटिस्फाई करते हो, देन आप डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल हो। अभी क्या होता है, जैसे ही आपके पास डिन नंबर आ गया ना, डिन नंबर आपको मिल गया, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, अब आप डायरेक्टर बनने जाओगे। बनने जाने के लिए क्या करना होता है, द फर्स्ट स्टेप इज आप कंपनी की तरफ से आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलना चाहिए, ठीक है? अगर कंपनी के एंड से बात करूँ तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा कंपनी में कि अपॉइंट करना है डायरेक्टर को। सेकंड क्या है, कंपनी के एंड से बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा और आपको कंपनी की तरफ से एक ऑफर लेटर मिल गया कि भैया हम आपको डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, कृपया बन जाइए, प्लीज हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आइए हमारी कंपनी में। आपने उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है, दैट्स कूल। अब आपको भरना होगा DIR 12, ठीक है? ये फॉर्म फाइल कौन फाइल करता है? कंपनी फाइल करती है। ये फॉर्म कंपनी फाइल करती है, जिसको डिन नंबर मिला वो नहीं फाइल करता, अब सब काम कंपनी करती है। अब कंपनी को अपॉइंट करना है, कंपनी फाइल करेगी, कंपनी DIR 12 फाइल करेगी। DIR 12 का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, इसमें मैं नहीं बताऊंगा। DIR 12 कैसे फाइल करना होता है, उसमें आपको बस बोर्ड रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होता है, अपॉइंटमेंट का डिटेल चाहिए होता है, और उसके अलावा आपको आधार पैन वगैरह जो डायरेक्टर का डिटेल है वो सब रिक्वायर्ड होता है, दैट्स इट। अब जैसे ही आप अपॉइंट कर दिए, यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर दिए, अपॉइंट हो गया, DIR 12 अप्रूव हो जाता है एसटीपी मोड पे, थोड़ा टाइम लेता है बट अप्रूव हो जाता है, कुछ कुछ फॉर्म्स अटक जाते हैं, अदरवाइज बाकी सभी अप्रूव हो जाता है। एक बार DIR 12 जैसे ही अप्रूव होता है, आपका कंपनी में डिन वो बंदा रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करेगा, मास्टर डेटा में डायरेक्टर का डिन नंबर शो करने लगेगा, मतलब वो बंदा आपकी कंपनी में डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर अपॉइंट हो चुका है। तो ये पूरे के पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लग जाता है, ऑन एन एवरेज अगर मैं बोलूँ तो आपका 15 से 20 दिन तक का टाइम जा सकता है, उससे ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट के बेसिस पे अप्रूवल रहता है, तो वहाँ से अप्रूवल लेट आया तो टाइम बढ़ जाएगा इधर, ठीक है? तो 15 से 20 दिन का पूरा प्रोसेस होता है एक इंडिविजुअल को डिन नंबर मिलने में, ओके? अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं बोलूँ कि सर खर्चा कितना आ जाएगा, तो भैया अगर DSC का मैं बात करूँ तो अब डिपेंड करता है कितने की DSC आप कहाँ से बनवा रहे हो, ठीक है? अपने जो बनाते हो अराउंड 1000 रुपीज़ के आसपास चार्ज पड़ जाता है, और 1000 का मान लो DSC पड़ गया, और इसके बाद आपका फॉर्म फाइलिंग का फीस 500 पड़ गया, तो ये आपका मिनिमम जो एक्सपेंस है, मतलब गवर्नमेंट फीस है ये, तो हमको वैसे ही पेड नहीं करना है। अब कहीं से भी कराते हो, ऑन एन एवरेज आप मान के चलो 3 से 5 हज़ार के बीच में आपका खर्चा आएगा, बहुत हाई फाई फॉर्म हुआ तो अराउंड 6000 7000 चार्ज कर ले, बट ठीक ठाक एक एवरेज साइज का फॉर्म हुआ तो 3 से 5 हज़ार तक का चार्ज कर दे आएगा, मेरे को जहाँ तक लगता है। उससे ज्यादा अगर कोई 6 7 हज़ार से ज्यादा चार्ज कर ले, मतलब 5 6 हज़ार से ज्यादा चार्ज कर रहा है, तो फिर वो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, उतना पे करना कोई मतलब नहीं बनता आपको, ठीक है? प्रोवाइडेड अगर वो कुछ स्पेसिफिक सर्विस दे, आई डोंट थिंक कि इसमें और कुछ स्पेसिफिक सर्विस दी जा सकती है, बट ठीक है, अगर वो बोले नहीं DIR 3 के वैसे भी हम अगले साल करके दे देंगे तो देन इट्स ओके, अदरवाइज दैट्स गुड। एक बार आपको डिन नंबर मिल गया, एक चीज और मैं बता दूं, क्योंकि लोगों क्या होता है ना, जैसे ही डिन नंबर मिल जाता है वो सोचते हैं कि भैया आप तो काम खत्म, मैं डायरेक्टर बन गया। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आपको 31 मार्च के पहले डिन नंबर मिला है, ठीक है, 31 मार्च कोई भी साल का, तो नेक्स्ट 1 अप्रैल के बाद 30 सेप्टेम्बर से पहले आपको अपना DIR 3 KYC करना मैंडेटरी है भैया, मैंडेटरी। और इसमें PCS का साइन लगता है, अराउंड 1000 रुपीज आपका खर्चा आएगा ही आएगा, ये नेक्स्ट ईयर आने वाला है, ठीक है? जैसे ये 2023 का महीना था, आपने अप्रैल से पहले सपोज आपको सॉरी मार्च से पहले आपको DSC डिन नंबर मिल गया, देन नाउ यू हैव टू यू डू दिस DIR 3 KYC, इसके लिए अराउंड 1000 का चार्ज आपका आना ही आना है, मतलब जो प्रोफेशनल के फीस होगी आप वो ऊपर नीचे 19 20 होते रहता है, कुछ लोग तो 500 में नहीं, 500 में तो आपको ही नहीं करता है, 700 800 1000 के आसपास चार्ज पड़ते हैं, कुछ लोग 2000 3000 भी चार्ज करता है, दैट्स डिफरेंट। अलग अलग फॉर्म्स के अलग अलग प्राइस होते हैं, मैं कोई फिक्स नहीं बता सकता कि भैया इतना ही चार्ज करना है, मैं प्राइस फिक्सिंग नहीं कर रहा हूँ, एक लमसम आइडिया दे रहा हूँ कि ताकि कोई किसी को बेवकूफ़ ना बना पाए, क्योंकि ऐसे भी लोग मेरे को फोन करते हैं कि भैया मेरे को तो उसने 8000 रुपये चार्ज किए थे DIR 3 KYC के, हमने तो दे दिए, और अभी आप बता रहे हो कि इतना कम रेट चार्ज होता है, मैं बोला 8000 रुपये DIR 3 KYC के किस बात की भैया, एंड उसमें भी उसका सिर्फ OTP वेरीफाई किया गया, उसके अलावा उसके लिए उससे 8000 चार्ज कर लिए, तो मैं नहीं चाहता कि कम से कम मेरे व्यूअर्स को बेवकूफ़ ना बनाया जा सके, सो मेक श्योर कि बहुत हैवी चार्ज ना कर जा सके। तो इसलिए मैं एक लमसम आइडिया देता हूँ कि इसके बीच में अगर रेंज है ना तो ओके, थोड़ा 19 20 ऊपर है तो चल जाएगा, बहुत हाई फाई रेंज है तो डोंट गो देयर, अब किसी और प्रोफेशनल से बात करो, आपको एक डिसेंट अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है? एंड मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा है ना, आप प्रोफेशनल जो रियल प्रोफेशनल्स है ना उनसे बात करोगे तो वो एक डिसेंट अमाउंट ही चार्ज करेंगे। प्रॉब्लम कहाँ आती है पता है, जहाँ बिचौलिए घुसते हैं,
एक बंदा घुसा, वो किसी और के से कनेक्ट होगा, वो किसी और से काम करवा रहा है, तो ये जो ट्रेल बनता है ना, सब लोग हजार 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 खाते खाते आपका पैसा इतना बढ़ा देते हैं। तो वैसा काम मत करो ना, आप डायरेक्ट प्रॉपर कंसल्ट करो, ठीक है, जिनका जो ढंग के लोग हैं उनसे कंसल्ट करिए, आप जो भी एरिया में रहते हो, जहां भी रहते हो, रिस्पेक्टिव, ठीक है। आपको DRC KYC मस्ट करना है, नहीं करोगे 5,000 रुपया 30 सितंबर के बाद लग जाएगा, क्योंकि आपका डिन डीएक्टिव कर दिया जाएगा ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ DRC KYC। डिन डीएक्टिव होने के बाद उसको एक्टिव करने के लिए 5,000 रुपया का एडिशनल का नॉर्मल फीस आपको पे करना पड़ता है। समझ में आया बात? 5,000 रुपये, 5 के पीछे 3 शून्य, इसलिए आप ये जरूर कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट ईयर इस फर्स्ट टाइम आपको फिजिकल DRC KYC करना, मतलब फॉर्म वाला DRC KYC करना पड़ता है। उसके बाद साल से आपको DRC KYC करने का जरूरत नहीं पड़ता, उसके बाद आपका OTP 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 से काम हो जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपका काम इजी हो जाता है, ठीक है। सो आई गेस आप जो मैं बताना चाहता था आपको समझ में आया हो, सारा पॉइंट इजी लगा हो, इजी टू अंडरस्टैंड है। मैंने फाइलिंग भी दिखा दी आपको, फॉर्म भी दिखा दिया, क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं रिक्वायरमेंट है, कितना खर्चा आएगा क्या नहीं आएगा, सब बता दिया। इससे ज़्यादा क्या चाहिए भैया, सब्सक्राइब हमको भी दे दो यार, एक बटन सब्सक्राइब का है नीचे, उसको दबा दो, कम से कम मेरे को भी सुकून मिल जाए, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।